going to deliver lecture about social work, lesson number 2, page number 13. Social work emphasizes the structure of an agency because it is the social agency that is responsible for the provision of social service to their clients. Social agencies are largely public statutory agencies, but their circle is winded day by day, and the private organizations like adoption services, foster homes, child care institutions, widow homes, and juvenile training schools are also included. Samaji kaam jo hai wo ahmiyat deta hai manavat ko ek agency ke taur pe, jaise ki jo hai social एजेंसी जो है वो जिम्मेदार होती है कि हमारे सोशल समाज की कैसे खिदमत सर अंजाम दी जाए, जो किफायत ज़ेरे किफायत लोग हैं उनके बारे में उनको कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मुहैया की जाए। जो सोशल एजेंसी से वो जो है बहुत बड़े अवामी जो है अवाम को जो है वो बताती है कि कानून के मुतालिक एजेंसी से, और हमारे एज के जो आप देखेंगे चारों तरफ से दिन ब दिन जो है ये प्राइवेट जो तंजीमें हैं वो बढ़ रही हैं, और आप जैसे कि एडॉप्शन सर्विस है और उसके बाद जो है ऐसे होम जो हैं वो ओपन हुए हैं जैसे जिसमें हम परवरिश पाते हैं या लोगों को पाला जाता है। और दूसरे जो इदारे ये भी हैं बच्चों की केयरिंग के जो हैं वो इदारे हैं ओपन किए गए हैं, जैसे कि बेवा घर को मना ओपन किए गए हैं, और उसके बाद जो है नौ उम्र के बच्चों के लिए एक तरबियती स्कूल कायम किए गए हैं, ये भी इनमें शामिल है। सोशल वर्क आस्क्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हैज मिनिमाइज द चांसेस ऑफ वेस्ट और ओवरलोपिंग ऑफ philanthropic services. It also requires psychological analysis of a social problem in addition to legal and psychoanalytical ones. Sociological analysis is usually based on the study of samples of a problem in which data are arranged, gathered and interpreted scientifically to find to better solution to the problems. We should take help of social worker to eradicate our social problems and enhance and enrich the development of the people as well as of the society. Samajik kaam jo hai wo humse pooch raha hai ki jo hum mulk mein jo unke insano ki जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको तरक्की दिलाने के लिए, और वो चांस जो उनको मौका मिलता है कम भी चाहे मिलता हो मगर उनको भी वो ज़ाया करने नहीं देते, और वो सर्विस से खिदमत सरंजाम देती रहती है लोगों को, हमदर्दी के तौर पे वो उनकी मदद करती है। जैसे कि हमें ज़रूरत है, हमें ये भी ज़रूरत है कि हमारे माशरे में सोशोलॉजिकल जो एनालिसिस होती है, जो उनके समाज के मसले होते हैं उनको भी हल किया जाए, जैसे कि कानूनी तौर पे या जो नफसियाती लोग होते हैं उनके बारे में, जैसे साइको एनालिसिस वंस उसमें ये भी शुमार है। साइकोलॉजिकल एनालिसिस जो है आमतौर पे उनका बुनियाद जो होता है वो जो मसलों को पहले सबसे जो सैंपल लाते हैं उनके बारे में अभ्यास करते हैं, फिर उनके बाद डेटा ली जाती है, फिर उनको बैठ के अरेंज माना उन मसलों को हल करते हैं बैठकर, और साइंटिफिकली उनको बेहतर नमूने से उस मसले को हल कर सकते हैं वो, क्योंकि वो जो हैं एक दूसरे से डिस्कस करते हैं फिर उन मसलों को अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। जैसे कि हम जो हैं सोशल वर्कर जो अच्छे भलाया समाज के लिए काम कर रहे हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वो जो हैं इन समाजी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जड़ से ख़त्म कर सकें, और हमें जो है इससे ज़्यादा जो है लोगों में हमारे माशरे में बेहतर से बेहतर तरक्की हो और लोग जो है खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें। और हमें भी चाहिए कि हम समाज वर्कर के साथ हेल्प करें या उनकी मदद करें, कि जैसे कि आप अपने
सोसाइटी में ऐसे दरख्त लगाएं ताकि जो है हमारी जो पॉल्यूशन है वो कम हो जाए। इससे हम जो है सबको फ़ायदा पहुंचेगा, हमारे समाज को, क्योंकि हम जो है बहुत सारी डिजीज़ से बच सकते हैं।